नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के मैं आपके बीच में फिर से उपस्थित हूं टीम ऋषभ मिश्रा की तरफ से। तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत जो है हम थैंक यू ज्ञापित करते हैं, बहुत बहुत जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सब जिस प्रकार से साथ और सहयोग दे रहे हैं टीम का, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, वो अविश्वसनीय है। और उसके एवज में टीम अपना कार्य तो कर रही है, बट जो सार्थक रिजल्ट है जो आप हमसे चाह रहे हैं उसमें अभी तक हमने आपको 100% नहीं दे पाया है। उसमें वजह क्या है ये सारे रीजन्स में मैं बातचीत करूंगा। और हमारे जिन मित्रों के सवाल भी है हमें प्राप्त हो चुके हैं, उन मित्रों के सवालों के जवाब भी हमें देने हैं, ठीक है। क्योंकि कॉल अटेंड करके एक एक व्यक्ति को पर्सनल जवाब दे पाना हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से बखूबी जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। 5-7 मिनट जो भी लगेगा आपको सारी चीज़ें हम कंफर्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये दोस्त, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कि क्या सर हार चुके हैं हम लोग, क्या अब हार मान लिया जाए। तो दोस्त देखिए, ये सवाल और ये सोच आपके मन में आ रही होगी, हमारे मन में कतई ये सवाल नहीं आ रहा कि हम हार मान लें या हार मान करके हम बैठ जाएं, ठीक है। और इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, अभी हमें हारना नहीं है। ये जो एक लाइन है हम हार चुके हैं या हम हार जाएंगे, ये चीज़ अपने दिमाग से पूरी तरह से आप निकाल दें, ठीक है। क्योंकि ये जिम्मेदारी आप टीम के ऊपर छोड़िए, टीम लगी है, वो टीम कर रही है, वो सारा कार्य टीम के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये चीज़ आप मन में निकाल दीजिए कि आप हार जाएंगे, ठीक है। स्थितियाँ क्या होगी ये आने वाला समय तय करेगा, आप और हम नहीं तय करेंगे। इसलिए प्लीज़ आप निगेटिव मत होइए, निगेटिव मत सोचिए। मैंने आपको पहले ही बताया, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा हटा करके अदर जगहों पे लगा करके थोड़ा सा जो है चीज़ों से हटिए, तब जाके आप अपने आप को थोड़ा सा जो है रिलैक्स महसूस कर पाएंगे। आगे मैं बात करूँगा याची कैसे बने। हालांकि कुछ साथी ये कह रहे थे सर याची बनना है, तो देखिए टीम द्वारा याची प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही है, किसी भी प्रकार का किसी को याची नहीं बनाया जा रहा है। क्योंकि ये कंडीशन याची बनाने जैसी अभी नहीं है कि हम याची बनाएं। याची जब बनाया जा रहा था तब हमने पूरे प्रदेश में टीम द्वारा जो है सूचनाएं पहुंचाई गई थी, जितने लोग जुड़े हमसे उन सबको जोड़ा गया है, उनकी याची लिस्ट उन्हें प्रोवाइड कराई दी गई है, उनके उनका जो भी चीज़ें उनको मिला है और हम उनके प्रति जवाबदेह भी हैं और उनको जवाब भी दिया जाता है। बाकी नए याची कैसे बनेंगे मित्र, इसके विषय में हम आपको कहीं से कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे कि हम टीम द्वारा याची बना रहे। आपको पर्सनली याची बनना है, आप सिंगल बेंच चले जाइए, आप वहाँ पे अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक लोगों की जब जाएंगे याचिका दायर करने तो वहाँ पैसा अधिक लगेगा, तो 2-4-10 लोग मिल करके एक अपना ग्रुप पर्सनली बना के चले जाइए, ठीक है। लेकिन बार बार आप हमसे पूछेंगे कि सर याची लाभ याची लाभ, तो देखिए मित्र इसके विषय में हम आपको नहीं बता पाएंगे कि याची कैसे बने। अब आगे मैं बात करूँ याची लाभ की, तो देखिए प्रेजेंट टाइम में याची लाभ जैसी स्थिति अगर आप हमसे पूछेंगे तो भैया ना हम जज हैं ना आप जज हैं, पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्थितियाँ जैसी आगे होंगी वो माननीय न्यायालय को माननीय जज साहब को तय करने दीजिए, हम और आप इस चीज़ को तय नहीं कर पाएंगे। आगे क्या जीत की उम्मीद की जा सकती है, तो मित्र बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि हमने जीत की उम्मीद कर रखी है। तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप भी जीत की उम्मीद करिए और यूँ हार करके पीछे नहीं हटना है, ठीक है। जीत और लक्ष्य जो हमने बना रखा है उसके मुकाम तक हमें पहुंचना है, ठीक है। अब आगे मैं बात करूंगा अंत में वर्तमान स्थिति उत्तर कुंजी हाई कोर्ट की। तो मित्र देखिए, आपको बखूबी पता है कि वर्तमान समय में 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम केसे लगे थे, ठीक है, जिनमें से इक्का दुक्का केसों को छोड़ करके कोई भी केस की हियरिंग नहीं हो पाई है, खासकर लखनऊ बेंच में। इसका मेन रीज़न ये रहा है कि जो फ्रेश केसेज हैं ठीक है, उनकी संख्या लगभग 50 के आसपास हो रही है, पहली नंबर। और उसी के साथ एडिशनल में कभी कभी 60 केस, कभी कभी 52, तो कभी कभी 55, और आपका नंबर कितने पे आता है, 36 पे आएगा, कभी तो 27 पे आएगा, कभी 21 पे आएगा, ठीक है। और होता क्या है, फ्रेश को ही सुनते सुनते बेंच उठ जाती है और आपका मामला नहीं सुना जाता, ठीक है। तो ये स्थितियाँ सिर्फ आपके केस के साथ नहीं है, प्रेजेंट टाइम में लखनऊ बेंच में छुट्टी, ये जो कोरोना काल में जो बीच बीच में छुट्टियां हुई है, इनकी वजह से केसेस तो पड़ते गए लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई, तो वो बराबर लिस्टेड हो गए, जिनकी वजह से जो है एडिशनल काज लिस्ट जो है उसमें केसों की संख्या बढ़ गई, वहाँ फ्रेश की भी बढ़ गई, एडिशनल में भी बढ़ गई। अब ये समस्या को लेकर के आप और हम परेशान नहीं,
पूरा जो हाई कोर्ट में जो वकीलों का पैनल है टोटल सब की सब परेशान है, क्योंकि किसी भी केस की हियरिंग बखूबी नहीं हो पा रही। किसी दिन 20 केसेस सुने जा रहे हैं तो किसी दिन 22, किसी दिन 18, किसी दिन 17, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। और केसों की संख्या 70 हो जा रहे, 80 हो जा रहे। तो इस समस्या के समाधान हेतु सारे जो वकील हैं, सब समस्त अधिवक्ता जो हैं, वो एक पैनल बना करके माननीय CJI साहब जी को, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जी को एक ज्ञापन देने का कार्य जारी किए हैं। वो ज्ञापन देकर के यह अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो आवश्यक केसेस हैं उनके लिए एक बेंच बनाई जाए और उनको उसमें सुना जाए, फिर उनको उसमें सुन करके आराम से जो उनको हल किया जाए, ताकि सारे केसेस को हल किया जा सके। ऐसे कंडीशन क्रिएट हो चुके हैं, ये आपको बखूबी पता है। अगर इसमें कोई अधिवक्ता होंगे तो उन्हें पता होगा कि वर्तमान स्थिति हाईकोर्ट लखनऊ की क्या है, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं। तो ये कुल मिला जुला के अपडेट रहा। अब आप हमसे पूछेंगे आपकी तैयारी क्या है, आप अपनी तैयारी बताएं। तो मित्र देखिए, तैयारी हमने ऑलरेडी पहले ही कर रखी है, सारी ब्रीफिंग वगैरह आपकी कंप्लीट है, हमें इंतजार है सही समय का। हम चले, अभी आप लोग कह रहे थे डेट नहीं लगवा रहे, डेट तो पिछली बार कई कई डेटें लगवाई गई, आपको पता है नंबर ही नहीं आता। तो इस कंडीशन में अगर हम डेट लगवा लें फिर वही हमारे साथ हो, डेट लगवा के खुश होने से अच्छा है कि थोड़ा सा वेट करें और आपकी केस को थोड़ा सा ऊपर लेकर के आ करके लगवाया जाए जहां उस पर हियरिंग हो सके। और अन्यथा की स्थिति में लगवा लिया जाए, एक लंबा प्रकरण में पीछे केस लग जाए और आप वेट करते रहें, शाम को पता चला बेंच उठ गई तो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा दुखदायी होता है। इसलिए थोड़ा सा वेट कर लें और बखूबी चीज़ों को जब जिस प्रकार से हमें करना है चीज़ों को करके और अपने केस को थोड़ा सा ऊपर ला के लगाया जाए जहां आपकी हियरिंग हो सके, तब जाके बात कुछ बनेगी। तो मित्र इसीलिए प्रयासरत है टीम, आपकी सुनवाई के लिए हम कार्य कर रहे हैं, हम अनावश्यक कार्य में नहीं बिजी हैं, ठीक है। हमने आपको भले ही बताया कि आप सब अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, लेकिन हमारा दिमाग और हमारी टीम उसी फोकस पे, उसी टारगेट पे बनी हुई है और उसी पे कार्य हो रहा। दिन प्रतिदिन यही सोचा जाता है कि क्या कुछ हल निकाला जाए, किस प्रकार से कार्य को किया जाए कि हम उत्तर कुंजी प्रकरण को सॉल्व करा सकें। और रही बात हार और जीत की, तो मित्र ये आने वाला भविष्य तय करेगा। अगर आप सत्य के साथ हैं तो पिछली तमाम भर्तियों में जिस प्रकार से नंबर इंक्रीज हुए हैं उत्तर कुंजी प्रकरण में, अगर प्रश्न गलत हैं तो इस भर्ती में भी उसी प्रकार से अंत में आपको नंबर जरूर इंक्रीज होंगे, चाहे वो आज हो, चाहे कल हो, चाहे एक महीने बाद हो या छः महीने बाद हो, आपको रिजल्ट मिलना है। और रही बात छोड़ के भागने की, तो ना तो टीम भागी है ना टीम भागेगी, हम औरों की तरह नहीं है कि पैसा ले लिया गया और उन्हें याची बना लिया गया, फर्जी याची लिस्ट दे दी गई और हम प्रदेश से गायब, ऐसा कार्य नहीं किया गया है। बखूबी विथ प्रूफ आपको याची लिस्ट मिली है, बखूबी आपको ग्रुप मिला है, ठीक है, और आपको वीडियो के माध्यम से बताई भी जाती है सारी जानकारी, ठीक है, तमाम चीज़ें आप पे अवेलेबल कराई जाती है। तो हम पारदर्शिता पहले से ही रख रहे थे और आज भी जो सच्चाई है मैं बताता जा रहा हूँ, कहाँ जहाँ दिक्कत होती है, जहाँ थोड़ी सी निगेटिव होती है, हम आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करते हैं, जो हमसे बन पड़ सक रहा है मित्र वो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला के उत्तर कुंजी प्रकरण का वर्तमान स्थिति में जो चीज़ें चल रही हैं यही हैं। बाकी कोई भी मित्र आप बार बार हमें कॉल करेंगे सर याची बना ले, तो दोस्त कोई चांस नहीं, हमारी तरफ से कोई भी चांस नहीं है कि हम आपको याची बनाएंगे, किसी भी नए कैंडिडेट को याची नहीं बना रहे, हमारे पास जितने कैंडिडेट हैं वही हैं और हम उनके प्रति जवाबदेह हैं, ठीक है, हम उनके प्रति जवाबदेह हैं, उन्हें जवाब दिया जाता है। बाकी प्रदेश में बहुत सारे तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं मुझे पता है, लेकिन मित्र आप समझने की कोशिश करिए, अगर याची बनाने का कार्य शुरू कर देंगे तो केस से फोकस हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट करके फिर रोज याची लिस्ट प्रिपेयर करिए, कॉल अटेंड करिए, इनका ये मिलाइए, उनका वो मिलाइए, इनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए, उसमें समय ज़्यादा जाएगा, आपको बात समझ में आ गई होगी। इसलिए आप बखूब खुद एक ग्रुप बना लीजिए, पर्सनल 2-4-10-50 लोग जो विश्वसनीय हैं, जिन पे आप विश्वास करते हो, जिन पे आप आँख मूंद करके विश्वास करके पैसा दे दें और जो आपको याची बना करके याची लिस्ट अवेलेबल करा दें, आप उनसे मिलिए, उनसे याचिका डलवा लीजिए, याचिका डलवा करके याचिका को कनेक्ट करा लीजिए, बस बात खत्म। तो ये कार्य आप खुद कर सकते हैं क्योंकि आप खुद भावी अध्यापक होने जा रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बखूबी पता है, इसमें हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है पूरा स्थिति। हाँ, कुछ साथी पूछ रहे थे सर ऑर्डर कब आएगा, तो ऑर्डर देखिए नवंबर में लोग संभावना बता रहे हैं और संभावनाएं तो हमेशा से बताई जा रही हैं,
वही जब एडिशनल क्लॉज लिस्ट में आ जाए मामला तो समझिएगा आएगा, नहीं तो बस राम भरोसे जैसे चल रही चलने देंगे। और उधर सरकार जो है भर्ती में भी तेजी दिखा रही है, वो भर्ती भी तेजी से कर रही है, तो थोड़ा सा परेशान आप होंगे। खैर वो उनका पार्ट है, उनको करने दीजिए, अभी सीटें खाली हैं। और भर्ती पूरी भी होती है तो भी 10-12 हज़ार सीटें ऑलरेडी खाली रहेंगी आपके लिए, उत्तर कुंजी प्रकरण के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपका मामला जब भी सॉल्व होगा आपको सीटें मिलेंगी, अगर आप सरकार द्वारा लगाए गए मानक को पार करेंगे तो इसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, ठीक है। तो दोस्त ये है पूरी जानकारी, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष अपडेट के साथ, मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों का जितने भी पूरे वीडियो में और यहां तक हमसे जुड़े हैं सबको बहुत बहुत थैंक यू। अपने घरों पे रहिए, बढ़िया से रहिए, अब तो स्कूल भी खुल गया है, बच्चों का पठन पाठन का कार्य भी जारी रखिए, आप लोग घर में होंगे बच्चे उनको भी केयर करिए, सारी चीज़ें आपको करनी है क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक और एक अध्यापक भी होंगे, ठीक। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।